सीएम धामी का बद्रीनाथ दौरा, सीएम ने व्यवस्थाओं का लिया फीडबैक, सीएम ने श्रद्धालुओं के साथ ली सेल्फी। लोकसभा चुनाव के काउंटडाउन का इंतजार, विजय कुमार जोगदंडे ने दिया बयान, पांचों लोकसभा सीटों पर होगी कुल 844 मतदान गणना टेबल, ईवीएम से गिरे जाएंगे वोट। गर्मी का सितम लगातार जारी, कई जगहों पर चल रहा वृक्षारोपण कार्य, बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी उमेश चंद्र जोशी ने दिया बयान, वृक्षारोपण से ग्लोबल वार्मिंग होगा कम। नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के विस्तार से। देहरादून में गर्मी ने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मई महीने में पहली बार शुक्रवार के दिन का अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि देहरादून में गर्मी ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यहां मई महीने में पहली बार शुक्रवार को दिन का अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है, जो मई महीने का अब तक का सर्वाधिक तापमान है। और उन्होंने आगे बताया कि अभी तक का ऑल टाइम रिकॉर्ड 30 मई 2012 का दर्ज है, तब देहरादून का तापमान पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 43.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। आज देहरादून का जो टेम्परेचर है वो हाईएस्ट रिकॉर्ड किया गया मई मंथ का, अगर बात कर लें तो आज 43.2 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, और इसने जो पिछले रिकॉर्ड को उसको भी पास कर दिया है। पिछला जो हमारा रिकॉर्ड था देहरादून का मई मंथ में मैक्सिमम टेम्परेचर का, वो 43.1 डिग्री सेल्सियस का था, तो आज 0.1 डिग्री सेल्सियस जो है पिछले रिकॉर्ड को पास करते हुए इतना उससे अधिक जो है वो आज नापा गया है। तो इस तरह से देखें तो यहाँ का जो पिछला रिकॉर्ड है वो भी क्रॉस हुआ है, हालांकि ठीक है थोड़ा मार्जिनली है, परंतु क्रॉस तो हुआ है। 0.1 डिग्री सेल्सियस आज जो है पिछले रिकॉर्ड से वो ज्यादा। भीषण गर्मी के चलते व्यापार मंडल ने रुड़की हरिद्वार राजमार्ग पर छबील लगाकर पीने का पानी पिलाना शुरू कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि लोग यहां पर रुककर मीठे शरबत का लुत्फ उठा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने सड़क के किनारे पेड़ भी लगाए और लोगों से भी पेड़ लगाने की अपील की। व्यापार मंडल की जिला महामंत्री रश्मि चौधरी ने कहा कि गर्मी के चलते मीठा शरबत बांटकर लोगों की प्यास बुझाने की कोशिश के साथ ही उन्होंने वृक्षारोपण भी किया, जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। अरोड़ा जी ने यहाँ पे आज ना एक तो छबील का रखा था और एक पौधा रोपण का है, तो उसी में आके हम लोगों ने अपनी महिला विंग के साथ में शिरकत करी है और सभी लोगों को ठंडा जल खिलाया है और पौधा रोपण भी करेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है तो पर्यावरण की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मतलब छोटे छोटे पक्षी झुलस झुलस के मर रहे हैं और पशु भी बहुत परेशान हैं और इंसान तो है ही परेशान, बट इंसान जो है कहीं पे भी परेशान होता तो कहीं ना कहीं आश्रय ढूंढ देता है, बस पशु और पक्षी जो है वो बेचारे बहुत ज्यादा परेशान है। कंसर्न किया है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और राहगीर चलते लोग हैं, पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो उससे उनको थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होगा। और इसके साथ ही हमने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है। उस वृक्षारोपण का कार्यक्रम करने का मतलब यह है लोगों को सजग करना, उसके प्रति जागरूक करना कि आप सब लोगों ने क्या किया है, एसी लगा ली है पेड़ काट काट के, उसमें हम लोग भी शामिल हैं, तो पर्यावरण का हाल आप देख रहे हैं कितना बुरा हाल हो गया है, इससे जो है कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग को हमें फेस करना पड़ रहा है, तो उसके लिए हम अगर सब लोग मिलकर एक एक पेड़ भी लगाएं। हमारी जो जिला पार्षद संजय रोहित हैं उनकी पर तो भरपूर कार्यक्रम रखा गया और शरबत भी वितरित किया गया गाय गुरुओं को और वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम रखा गया इसमें, क्योंकि देखिएगा आने वाला जो टाइम है वो और गर्मी बढ़ती चली जाएगी, जिस तरह से पेड़ कट रहे हैं तो हमें इसमें कहीं ना कहीं अपने बच्चों को जो हमारे साथ वाले हैं बच्चों को जागरूक करना होगा कि अपने घर के बाहर भी एक पेड़ लगाएं, अपने घर के अंदर भी जो जगह है वहाँ पेड़ लगाएं और वो पेड़ वो लगाएं जिनकी छाएं हो, वो पेड़ लगाएं फलदार हों, वो पेड़ लगाएं जिन्हें काट ना सके हम, तो वो चीज़ें हमारे पुराने टाइम में जुड़ी हुई थी, धर्मों से जुड़ी हुई थी, तो लोगों ने आधुनिक युग में वो चीज़ें बदलती चली गई, पेड़ कटते चले गए, तो आज का नतीजा आप ये देख लीजिए कि कितनी गर्मी हो गई है।
विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी ट्रैक पर्यटकों के लिए खुल गई है। अब उप वन संरक्षण बीबी मर्तोलिया ने घंगारिया बेस कैंप से 48 पर्यटकों के पहले दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। उप वन संरक्षण ने बताया कि पर्यटकों को फूलों की घाटी का ट्रैक करने के बाद उसी दिन बेस कैंप घंगारिया वापस आना आवश्यक है। बेस कैंप घंगारिया में पर्यटकों के ठहरने की समुचित व्यवस्था की गई है और साथ ही बेस कैंप घंगारिया से टूरिस्ट गाइड की सुविधा भी उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि वैली ऑफ फ्लावर ट्रैकिंग के लिए देशी नागरिकों को 200 रुपए तथा विदेशी नागरिकों के लिए 800 रुपए ट्रैक शुल्क निर्धारित है और वहीं ट्रैक को सुगम और सुविधाजनक बनाया गया है। फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए 30 अक्टूबर तक खुली रहेगी। मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि वैली ऑफ फ्लावर की स्वच्छता को आप बनाए रखेंगे। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी आप हमें पूरा सहयोग देंगे। वीडीसी से भी मेरी अपेक्षा है कि फूलों की घाटी को स्वच्छ रखने में अपना पूर्ण सहयोग देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, आपकी यात्रा मंगलमय हो। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र के ग्राम रोहाल की किशनपुर में गुलदार घुस गया और वहीं डेयरी फार्म में गुलदार के आने से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार गुलदार रात के अंधेरे में कुत्ते का शिकार करने को लेकर घुसा था। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने गुलदार को कमरे में बंद कर दिया, जिसके बाद वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। वहीं आपको बता दें कि क्षेत्र में पिछले लंबे समय से किसान दहशत में है। क्षेत्र में गर्मी के मौसम में आए दिन गुलदार नजर आ रहे हैं। हल्द्वानी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बिजली की कटौती और पेयजल किल्लत सहित कैंची धाम में लगने वाले मेले के संबंध में तैयारी को लेकर बैठक ली। इस दौरान अधिकारियों को पूरी तत्परता से यातायात और पर्यटन सीजन की समस्याओं के समाधान खोजने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने बताया कि इस बार भीषण गर्मी के चलते विद्युत विभाग पर काफी लोड है और उनके द्वारा ऊर्जा सचिव सहित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि ऊर्जा संकट न हो इसके लिए त्वरित कार्य योजना पर कार्य किया जाए। वहीं साथ ही जो नए बिजली घर और सब स्टेशन बनाए जाने हैं उनके लिए भी तेजी के साथ काम किए जाएं। इसके अलावा आगामी 15 जून को कैंची धाम में लगने वाले मेले को लेकर अधिकारियों की बैठक करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से कैंची धाम में बाबा के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, उस हिसाब से प्रशासन को सड़कों के चौड़ीकरण और पार्किंग की व्यवस्था सहित यात्रा प्रबंधन के सकुशल संचालन करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने उस पर योजना बनाया और फिलहाल शॉर्ट टर्म जो तत्कालीन जो परेशानी है उस परेशानी से हमने कहा है कि उसका रास्ता निकाला जाए जिससे कि लोगों को दिक्कत न हो। और इसके अलावा दीर्घकालीन योजना पर काम होगा और उसमें यूपीसीएल और फिटकोल दोनों ही मिलकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ धाम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर स्थानीय लोग और श्रद्धालुजन काफी उत्साहित दिखे। विभिन्न राज्यों के आए श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी ली और मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों से फीडबैक भी लिया। मुख्यमंत्री बद्रीनाथ धाम पर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं के साथ मिलकर चर्चा की, श्रद्धालुओं के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आए। तस्वीर आप देख रहे हैं बद्रीनाथ धाम से, जहां पर मुख्यमंत्री धामी स्वयं पहुंचे थे। श्रद्धालुओं से उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया, श्रद्धालुओं से व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की। इसके दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं के साथ सेल्फी भी ली। चार जून को लोकसभा चुनाव के परिणामों के लिए मतगणना होने वाली है, जिसे लेकर उत्तराखंड चुनाव आयोग ने अपनी कमर कस ली है। इस मौके पर प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगरंडे ने कहा कि मतगणना के लिए पांचों लोकसभा सीटों पर हमने कुल 884 मतगणना टेबल की व्यवस्था की है, जिस पर ईवीएम के वोट गिने जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक टेबल पर 3 से 4 कार्मिक तैनात रहेंगे, तो कुल मिलाकर 3,000 से अधिक लोग मतगणना के लिए तैनात किए जाने वाले हैं।
जिसके साथ पोस्टल बैलेट के लिए 334 टेबल रखे गए हैं। जो मतगणना 4 तारीख को प्रस्तावित है उसमें पांचों लोकसभा सीट पर हम लोगों ने 884 मतगणना टेबल्स का हम लोगों ने व्यवस्था किया हुआ है, जिसपे ईवीएम का काउंटिंग संपन्न किया जाएगा। प्रत्येक टेबल पर 3 से 4 कार्मिक ड्यूटी तैनात किया गया है। सब मिलाकर 3,000 से अधिक काउंटिंग स्टाफ जो है तैनात किया जाएगा। इसके अलावा पोस्टल बैलेट काउंटिंग के लिए 334 टेबल तैनात किए जा रहे हैं और हर टेबल पर एक एआरओ के लिए भी हमने निर्वाचन आयोग से अनुमति प्राप्त कर लिया है। उधम सिंह नगर में लगातार कई जगहों पर वृक्षारोपण कार्य चल रहा है। वहीं खटीमा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बंगाली कॉलोनी, शीतला माता मंदिर, मेला घाट रोड और कई स्थानों पर वृक्षारोपण कार्यक्रम किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी और नगर महामंत्री मनोज बाधवान के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और स्थानीय निवासियों ने बढ़ चढ़कर वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी ने इस अवसर पर कहा कि मौजूदा समय में ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति को देखते हुए विश्व भर में वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए ताकि परिस्थिति तंत्र नियंत्रण रहे। माता मंदिर में हम सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं, स्थानीय नवयुवकों ने और यहाँ के नागरिकों द्वारा वृक्षारोपण का एक सूक्ष्म कार्यक्रम किया गया, जिसके तहत आम, आंवला, पीपल और कई अन्य प्रकार के प्रजातियों के पौधे हमने रोपित किए हैं। और आज ये सब लोगों ने मिलकर के संकल्प लिया है, जो भीषण गर्मियां पड़ रही हैं, अब हम सब लोग, हर परिवार का एक एक व्यक्ति एक एक पौधा अपने घर पे लगाएगा, जिससे कि ये जो भीषण गर्मी से हम सब लोगों को निजात मिलेगी। और ये अभियान लगातार जारी रहेगा, आने वाले पर्यावरण दिवस पे हम लोग बृहद रूप में इस कार्यक्रम को आयोजित करेंगे। उत्तराखंड का अल्मोड़ा नगर पालिका में मतदाता सूची को लेकर विवादों के घेरे में है। आगामी निकाय चुनाव को लेकर बीते दिनों में राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची जारी की थी, जिसमें अल्मोड़ा नगर पालिका में लगभग 2,000 मतदाताओं की कमी दर्ज की गई है। मतदाता सूची को लेकर जनप्रतिनिधियों ने विरोध दर्ज किया है, तो वहीं राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची को पुनः निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिसके फलस्वरूप अल्मोड़ा नगर पालिका के 13 वार्डो में मतदाता सूची की जांच की गई, जिसके बाद जिला प्रशासन ने आपत्ति दर्ज कराने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। इस दौरान कई वार्डो में लोगों की आपत्तियां दर्ज की गई, जिसमें कई मतदाताओं के एक से अधिक वार्ड दर्ज हैं और कई नाम गलत तरीके से दर्ज किए गए हैं। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान कई वार्डो में आपत्ति सही पाई गई है, जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी सूची जारी की थी, जिसको लेकर अब लगातार कार्य जारी है। जनप्रतिनिधियों ने विरोध किया है, हर बूथ पर जाकर जनप्रतिनिधियों से बात की जा रही है और जनप्रतिनिधि अपनी अपनी समस्याएं लेकर पहुंच रहे हैं। नगर पालिका में मतदाता सूची की लिस्ट जारी की गई थी, जिसके बाद अब इस पर कार्य लगातार जारी है। राज्य निर्वाचन आयोग की यह सूची थी, जनप्रतिनिधियों से बातचीत की गई, जनप्रतिनिधियों ने इस पर विरोध भी किया है। कई जगहों पर गलतियां पाई गई हैं, जिनके सुधार के लिए कार्य लगातार जारी है। पालिका के कुछ वार्डों में नाम विलोपन के आपत्तियां विगत कैंप्स में प्राप्त हुई थी, जिस क्रम में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा तहसीलदार अल्मोड़ा और पालिका को जांच के निर्देश दिए थे। और वर्तमान में एक वार्ड जो रामचला वार्ड है, उसमें तहसीलदार महोदय द्वारा और पालिका की टीम द्वारा आपत्तियों का परीक्षण किया गया और जो आपत्तियां हैं उसको एक एक करके डोर टू डोर जाके क्रॉस चेक किया गया है। उसकी विस्तृत रिपोर्ट अभी बनाई जा रही है और वो जिलाधिकारी महोदय को, यानी जी हम लोग यहाँ 10 साल से रहते हैं और हमारे वोटर लिस्ट में भी नाम है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर हमें वोट देने से वंचित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये बाहरी लोग हैं, तो इस वजह से अब हम वोट नहीं दे पा रहे, हमारे वोटर लिस्ट में भी नाम है। हम जिला प्रशासन से ये मांग करते हैं कि हमें वोट देने से वंचित न किया जाए।
प्रदेश में लगातार बढ़ रही गर्मी के चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस बात पर मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि हीट वेव की स्थिति मैदानी क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में अभी भी बनी हुई है और देहरादून में मई महीने में 43.02 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे पिछला रिकॉर्ड मई महीने का पार हो चुका है और अगले दिन से लाइट से मॉडरेट रेन एक्टिविटी पहाड़ी क्षेत्रों में दिखाई देगी और एक या दो मैदानी क्षेत्रों में रेन एक्टिविटी होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अपने आदेश जारी कर दिए हैं। लगातार बढ़ते तापमान को लेकर मौसम विभाग के ये आदेश आए हैं। मौसम विभाग ने आदेश जारी करते हुए ये भी अनुमान जताए हैं कि बारिश के अनुमान जताए गए हैं। बारिश हो सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है और मौसम विभाग ने अपने आदेश जारी करते हुए ये भी सूचना प्राप्त करवाई है जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछले बार से इस बार मई का रिकॉर्ड ज्यादा है, मई के महीने में तापमान ज्यादा है। तो वहीं मौसम विभाग की अगर माने तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। आज भी बनी हुई है और हिल्स में देखें तो कुछ जगह तक वहां पर भी है। आज देहरादून का जो टेम्परेचर है वो हाईएस्ट रिकॉर्ड किया गया मई मंथ का, अगर बात कर लें तो आज 43.2 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है और इसने जो पिछले रिकॉर्ड को उसको भी पास कर दिया है। पिछला जो हमारा रिकॉर्ड था देहरादून का मई मंथ में मैक्सिमम टेम्परेचर का वो 43.1 डिग्री सेल्सियस का था, तो आज 0.1 डिग्री सेल्सियस जो है पिछले रिकॉर्ड को पास करते हुए इतना उससे अधिक जो है वो आज नापा गया है। कुमाऊं की सबसे बड़ी गोला नदी गनंधोर और शारदा नदी से खनन सत्र समाप्त होते ही फावड़े और बेलचों से खनखनाहट भी बंद हो गई है। बात गोला नदी की करें तो इस बार सरकार ने 42.44 लाख घन मीटर खनन निकासी का लक्ष्य रखा था जिसके सापेक्ष में 41.40 लाख घन मीटर की खनिज की निकासी हुई है, जहां सरकार को करीब 127 करोड़ 30 लाख की राजस्व की प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा नंधोर नदी से 7,27,546 घन मीटर की निकासी होनी थी जिसके सापेक्ष में 7,20,246 घन मीटर की निकासी हुई है, जहां सरकार को 20,18,84,000 की राजस्व प्राप्त हुई है। खनन सत्र का समापन हो गया है और इस पर तमाम जानकारियां भी उजागर कर दी गई हैं। मॉनसून के बाद अब फिर से सत्र शुरू होगा। फिलहाल खनन सत्र का समापन हो गया है, तमाम जानकारी इस पर साझा की गई है। 41.40 लाख घन मीटर की रिकवरी सरकार को हुई है और आपको बता दें कि मॉनसून के बाद खनन सत्र फिर से शुरू होगा। गौला और नंधोर नदी का जो एफसी क्लियरेंस, गौला नदी में इस वर्ष 41 लाख घन मीटर माल निकला है और नंधोर नदी में 7,65,000 घन मीटर माल निकला है। अब चूंकि नदी बंद हो गई है, जितने भी नदियों के रास्ते थे उनको काटने के निर्देश निर्गत कर दिए गए हैं और कार्रवाई चल रही है जिससे कि कोई भी अवैध खनन इस बीच में ना हो पाए वो किया जा रहा है। खटीमा क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं प्रशासन इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। गौरतलब है कि उम्र खुर्द में मिट्टी खनन माफिया रात के अंधेरे में लगातार अवैध मिट्टी खनन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। वहीं उदय राज सिंह जिलाधिकारी उधम सिंह नगर में स्पष्ट आदेश दिया है कि क्षेत्र में कहीं भी अवैध मिट्टी खनन का कारोबार नहीं होना चाहिए। अवैध खनन को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है और आपको बता दें कि अवैध खनन का कारोबार भी लगातार जारी है। उदयराज सिंह ने इस पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं और जल्द से जल्द
कड़े एक्शन लेने के भी आदेश जारी कर दिए हैं। अवैध मिट्टी खनन का कारोबार लगातार धड़ल्ले से चल रहा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए अब उदयराज ने आदेश दे दिए हैं। उदयराज सिंह ने आदेश देकर जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। अवैध खनन और मैं जानकारी कराऊंगा और अवैध रूप से मिट्टी का खनन न होने पाए ये भी सुनिश्चित कराऊंगा। और जहां परमिशन दी गई है, जहां पर NHAI की सड़कों के लिए मिट्टी की आवश्यकता है, कुछ परमिशन मुख्यालय स्तर से दी गई, कुछ परमिशन नदियों के ड्रेजिंग के लिए भी दी गई है। इनके अलावा अगर कहीं कोई अवैध खनन पाया जाएगा तो मैं संबंधित SDM और पुलिस के अधिकारियों को निर्देश जारी करूंगा कि देखें और ऐसे इलीगल प्लेसेस से खनन न हो। बाबा साहनी आत्महत्या कांड में फंसे गुप्ता बंधुओं को कोर्ट में पेशी के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा है। कुछ आक्रोशित महिलाओं और युवाओं का समूह पहले से ही कोर्ट में मौजूद था। जानकारी के मुताबिक इस समूह में उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ता भी शामिल थे। इस दौरान एक युवक ने गुप्ता बंधु पर स्वाही फेंकी और नारेबाजी शुरू कर दी। गुप्ता बंधुओं का लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। कोर्ट में पेशी के दौरान गुप्ता बंधुओं ने फिर से विरोध किया और आपको बता दें कि विरोध के दौरान जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। लोगों ने जमकर नारेबाजी की और इस दौरान स्याही फेंक कर विरोध किया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं कोर्ट के बाहर की। कोर्ट में पेशी के दौरान ये विरोध देखा गया। गुस्साए लोगों ने नाराजगी जताते हुए नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। कोर्ट के बाहर गुप्ता बंधुओं का ये विरोध था, जहां पर उन्होंने स्याही फेंक कर नारेबाजी कर विरोध किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं देहरादून में, जहां पर गुप्ता बंधुओं ने कोर्ट के बाहर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। नारेबाजी करी और स्याही फेंक कर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। गुप्ता बंधुओं का भी ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है, जमकर नारेबाजी करते हुए भी दिखाई दिए हैं। डस्टबिन फ्री देहरादून अभियान के तहत डोर टू डोर कूड़ा उठान को सुचारू रूप से चलाने के लिए नगर निगम को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बात को लेकर देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि वाटर गैस नामक कंपनी को कूड़ा उठान के लिए टेंडर दिया गया था, लेकिन उस कंपनी में बार बार कर्मचारियों के हड़ताल करने की वजह से हर घर से कूड़ा समय पर नहीं उठा पा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को देखते हुए हम उन सभी गैर जिम्मेदार कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर आगे की कार्रवाई करने पर विचार कर रहे हैं। देखिए, मॉनिटरिंग एजेंसी अपना कार्य कर रही है और उन्हीं के द्वारा अवगत भी कराया जा रहा है कि कितना रूट परसेंट कवर हो रहा है। अक्सर देखा गया कि ये जो पिछले दिनों जो वाटर ग्रिड कंपनी को जो हम लोगों ने जो दिया था टेंडर, तो उनके द्वारा जो है और उन्हीं कंपनी में जो बार बार स्ट्राइक होने की वजह से जो है ये समस्या उत्पन्न हो रही है कि जो कूड़ा डोर टू डोर उठाना होना चाहिए समय से, वो समय से ना होके जो है लेट होता है। और जिस कारण से जो है जो हमारा डस्टबिन फ्री सिटी का जो उद्देश्य था कि किसी भी तरीके से उनमें कचरा ना जाए, तो वो कचरा जो है सड़कों पर आ जाता है, जिस कारण से समस्या बन जाती है। यद्यपि पहले से काफी स्थिति में सुधार हुआ है, परंतु फिर भी कई जगहों पर ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जिस कारण से अब हम लोग दोबारा पुनर्विचार कर रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।